दिल्ली मेट्रो में बिकनी पहनकर सफर करने वाली लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जब ये लड़की पब्लिक प्लेस पर बिकनी पहनकर नजर आई तो सोशल मीडिया पर लड़की के लिए सवालों की लाइन लग गई। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लड़की का नाम रिदम चान्ना है। सोशल मीडिया पर सब लड़की से उसका इस तरह सार्वजनिक स्थल पर बिकनी पहनकर घूमने का कारण पूछ रहे हैं। लड़की ने दो टूक में जवाब देते हुए कह दिया कि मैं क्या पहनूं, क्या ना पहनूं, इसे चूज करने के लिए मैं पूरी तरह से आजाद हूं। मैंने ऐसा किसी पब्लिसिटी स्टंट के लिए नहीं किया है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। जब लड़की से पूछा गया कि आप उर्फी जावेद से इंस्पायर्ड हैं, तो उसने साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं उर्फी से इंस्पायर्ड नहीं हूँ। लड़की ने आगे बताया कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि उर्फी जावेद आखिर कौन है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे एक दोस्त ने उसकी तस्वीर दिखाई थी, तब मैंने उसके बारे में जानना शुरू किया और उसकी कहानी देखने लगी। रिदम चन्ना ने अपने परिवार के बारे में बताया कि परिवार के लोगों को उसकी ये पसंद और उसका व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सभी लोग बहुत नाराज हैं और तो और उसके पड़ोसी भी उसे धमकियां दे रहे हैं, फिर भी उसे किसी की कोई परवाह नहीं। दिल्ली मेट्रो का ये वीडियो वायरल हुआ तो DMRC की ओर से बयान जारी करते हुए कहा गया कि DMRC यात्रियों से सामाजिक शिष्टाचार और प्रोटोकॉल्स को पालन करने की पूरी उम्मीद करती है। यात्रियों को ऐसी ड्रेस नहीं पहननी चाहिए जिससे दूसरों को दिक्कत हो। मेट्रो में ऐसी कोई हरकत नहीं की जानी चाहिए जिससे दूसरे यात्रियों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। यात्रा के दौरान मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। यही नहीं, DMRC के इस बयान का चन्ना ने जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली मेट्रो में वीडियोग्राफी करने की परमिशन नहीं है। ये तो अजीब बात है, शायद DMRC मेट्रो में वीडियोग्राफी करने के अपने नियमों को भूल गई है। यदि उसे मेरे पहनावे से कोई दिक्कत है तो उसे फोटोशूट करने वालों से भी दिक्कत होनी चाहिए। मेरे अंदर आया बदलाव एक ही दिन में नहीं आया। मैं एक रूढ़िवादी परिवार से ताल्लुकात रखती हूँ, जहाँ मुझे अपनी मनमर्जी से अपने जीवन को जीने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में मैंने एक दिन फैसला किया कि मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। और रही बात मेट्रो की, तो मैं कई महीनों से ऐसे ही यात्रा कर रही हूँ। मेरा ये वीडियो तो अब वायरल हुआ है। मुझे दिल्ली की पिंक लाइन पर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन किसी भी अन्य लाइन पर मुझे इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। आपको बता दें कि रिदम चन्ना के इस कदम के बाद कई लड़कियां उसके समर्थन में आई हैं, तो कई लोग उनका जमकर विरोध कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चन्ना आगे क्या कुछ नया करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।